गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द विचार है ना। अब देखिए, शब्द का विचार करते हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है, तो वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दो और मेल यानी मिलना सार्थक नहीं।
पीछे, सत्य असत्य, ये हो गए आपके विलोम शब्द। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पुस्तकों के लिए क्या, जहां पुस्तकें रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय, तो एक शब्द हो गया ना। वैसे कई वाक्य बनते हैं, उनका एक शब्द जो होता है वो क्या कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब आ गया आपके श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो सुनने में समान लगते हैं हमें वो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अचार और आचार, अचार अलग शब्द है, आचार अलग शब्द, सुनने में इसे जैसे लगते हैं बोल, कोई बोलते हैं तब तो अचार होता है नींबू का अचार, केरी का अचार, अलग अलग प्रकार के अचार होते हैं, है ना। आदि आचार, आचार यानी व्यवहार आचरण कैसा होता है, तो तप जैसे तपस्या, और ताप यानी गर्मी, और श्याम यानी संध्या, और श्याम, श्याम होते हैं काला, हम कृष्ण भगवान के लिए बोलते काला, श्याम का अर्थ होता है काला। और जैसे आसन बैठने का स्थान, और आसन्न यानी पास, निधन और निर्धन, निधन यानी मृत्यु और निर्धन यानी गरीब। ठीक है, ऐसे इसे हम कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब आ गए आपके एकार्थक शब्द, यानी एक अर्थ निकलता हो। एकार्थक शब्द के अंदर देखिए आपके क्या, एक अर्थ निकलता हो वो एकार्थक शब्द हो गया, और सार्थक और निर्थक शब्द, सार्थक जैसे कि ढीला ढाला, बोलबाला, यह बहुत ढीला ढाला है, आजकल चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है ना। और संवर्गीय समानार्थक शब्द, साधु संत, यानी कि हरिद्वार में अनेक साधु संत रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, काम कर तुम अपने काम काज में मन लगाओ, इस तरह से ये शब्द हो जाते हैं। इनके अनेक अर्थ निकल से सार्थक शब्द, अनेक अर्थ होते हैं, अनेक श्रुति संभिन्नार्थक विलोम प्रायवाच, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर उसको किस तरह से हुआ है उनका वर्गीकरण। अब ये दो हो गए, अब तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज और विदेशी संक्रिया मिश्रित की पांच बताए, आमतौर पर चार होते हैं, सबका मिला के पांच हो जाता है तत्सम। ठीक है, अब तत्सम शब्द क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। तत्सम कहते हैं संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से बोले जाते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो बोले जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब तद्भव जो संस्कृत से निकले हैं, तद्भव ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में जिनका रूप बदल